कहते हैं पेरिस जाने से पहले थोड़ी फ्रेंच सीख लेनी चाहिए। गालियाँ सीख लेता हूँ सबसे पहले। इन फ्रेंच डिस्काउंट मिलेगा क्या इन फ्रेंच? ये 15-15 दिन का यूरोप ट्रिप सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है। अभी 15 कच्चे कहाँ से लाऊं? 15 यार, ट्रिप का सारा बजट तो इसी में चले जाएगा। अभी इस बार हड़बड़ी में पैक किया, होपफुली सब रख लिया हूँ मैंने। पेरिस पैकिंग लिस्ट है, पासपोर्ट, स्वेटर, पेन। वहाँ के लोग आज भी पंख से लिख रहे हैं, तो यहाँ से लेके जाऊं तो मिल जाएगी ना पेन वहाँ? वहाँ तो फ्रेंच पुलिस हमें वापस भेज देगी कि जाओ पहले रामू स्टेशनरी से एक पेन लेके आओ, तभी एंट्री है। So we don't say Paris, we say Paris. Paris. चलो मामा, 1 बज गए, मैं पारी जा रही हूँ। 1 बजे पार्टी कर रहे हैं तुमको? पार्टी 1 बजे? पारी। चलो 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 चलो, बहुत याद आएगी आपकी। अपना ख्याल रखना। ये अपने ट्रिप का ऋतिक रोशन। मैं वही बोलने वाला था, पूरे टाइम काम करता रहता है। मैं परान हूँ, उधर जो परान। मैं कुछ भी नहीं। हाँ तो ऋतिक तो पक्का नहीं है, तो ऑब्वियसली ठीक है भाई, जब मुझे कटरीना मिलेगी ना वहाँ पे। मेरी कटरीना नहीं, मेरे कटीना होने वाले। क्या एक्साइटमेंट है ट्रिप के लिए, वाओ क्रेजी एक्साइटमेंट गाइस। हम यूरोप जा रहे हैं गाइस, हम पेरिस जा रहे हैं पहले। और बताओ हम लोग पेरिस में क्या क्या देखने वाले? आईफिल टावर देखेंगे। आईफिल टावर यस। और मेन तो आईफिल टावर होता है। और क्या होता है? सो आईफिल टावर। ये तो प्लानिंग हुई है ट्रिप की। 5 लोग आए, 5 जगह तक नहीं पता है। अभी जो भी फ्लाइट में सोता हुआ दिखा, मैं उसके मुंह पे पानी फेंकना। भाई फ्रेंड्स ट्रिप में कोई सोता नहीं है। अभी अभी गेम शुरू नहीं हुआ, मैं स्टार्ट करूंगा गेम। हो रहा होगा, सो रहा होगा, फेंकता हूँ पानी। ये तो पक्का सो रही है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, पक्का सो रहा है ये, पक्का सो रहा है। उठता है क्या? उठा भाई, टूट तो नहीं गया भाई, भाई टूट तो नहीं गया। मेरी हरकतों के लिए नहीं बनाई है बेड। अब यही है दोस्त 15 दिन के लिए। तो आईफिल टावर व्यू देखने के लिए रूम लिया था, और आधा ही दिख रहा है। बाद रिफंड भी मिलेगा क्या? नीचे लड़ने जाऊंगा, वो तो बोलेंगे कि हमने बोला था आईफिल टावर दिखेगा, दिख रहा है, आधा पूरा तो हमने मेंशन ही नहीं किया। स्कैम हो गए, स्कैम। और मेरे रूम से बाजू वाली आंटी अपने पति के कौन से कच्चे कैसे सुखा रही है वो क्लियरली दिखेगा। फ्रेंच आईफिल टावर की जगह VIP फ्रेंच ही दिखेगी अंकलों की। ओहो, आप कौन? फ्रेंच टूरिस्ट भाई, क्या है? गौतमी दू फ्रांस दी दू क्या डुप्लेसी। यहाँ पे भी देसी मेले वाले खिलौने मिलते हैं। बिल्कुल अश्लील जगह नहीं है लगी मुझे पेरिस। यहाँ पे सब अच्छे कपड़े पहनते हैं, नंगापा नहीं है ज्यादा, तो मेरे टाइप की जगह है बिल्कुल। इंडिया फालतू में बदनाम है, हर जगह यही कांड है भाई। निकोलस, न्यू जनरेशन, इनको प्यार वैन नहीं, अपना इंस्टा आईडी प्रमोट करना, उसी से प्यार है। इन सबको दो शाउट आउट। 3 पॉइंट में लिख दे, फॉरेन ऑडियंस चाहिए, फॉरेन ऑडियंस, फॉरेन ऑडियंस। पेन पेन, इसीलिए बोला था पेन लाना, इसके लिए पेन लाना था। पता चल गया पेरिस को सिटी ऑफ लव क्यों कहते हैं। बहुत लव, कुछ ज्यादा ही लव। मैं पहले दिन ही घर वापस जाना चाहता हूँ। अरे बस करो यार, ओयो बुक करो जाके। जस्ट किसी ने किसी को प्रपोज किया और वो लड़की ने हाँ भी बोल दिया हमारे सामने लाइव, और सब ताली बजा के बंदों पे प्रेशर डाल रहे थे। Would you please put the light on? Torch on कर, torch on कर। अबे no battery में ये क्या करवा रहा है? क्या चिंदी concert में ले आए भाई? काम करवा रहे हमसे दूसरे कपल। मोहब्बत का दर्द दिल में छुपाया है, सच कहूँ उसकी मोहब्बत ने बहुत रुलाया है। मुझे भी प्यार हुआ यहाँ के खाने से। और अरे वाह, ब्रेड को चॉकलेट में डुबाओ और आगे स्वाद। अभी हम आए लव लॉक ब्रिज, जहाँ सब अपने प्यार के ताले लगाते हैं, जो सारे सरकार ने हटा दिए, अभी एक भी नहीं बचा। ये सब अभी लगा है जीना और लुइस। ओ तो मैं भी एक लगाता हूँ। मेरा नाम फिट नहीं आ रहा। हो गया भाई, मेरा प्यार अमर है। ये अभ्युदय RCB वाली चीज अब
पेरिस में। एक बार के लिए विराट कोहली भी आरसीबी को छोड़ सकता है, पर इसके बाद मैं नहीं छोड़ सकता। अरे आरसीबी अभी तो परमानेंट है, आरसीबी कभी नहीं जीतेगी। पनौती ही लग दिया। अरे पनौती क्या है इसमें? विराट कोहली अभी आप कभी नहीं जीतने वाले हो, बिकॉज अभी दे रहे पनौती लगा दी है। तो गाइस हम आ चुके हैं म्यूजी दू लूवर। म्यूजे दू लूवर, मैं तो लूवरे लूवर लिखा था ना, लूवर लूवर। हाँ, ताजमहल वाली फोटो हम भी लेंगे गाइस। राइट राइट, इधर मतलब आपका लेफ्ट, ऊपर है ऊपर, यहाँ यहाँ, इधर है इधर है, इधर 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 इधर। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। तो यहाँ लोग एक्चुअली किस लिए आते हैं बता? सबसे ज्यादा तो मोना लिसा वाली पेंटिंग देखना है। मैं लाया हूँ यहाँ पे असली पेंटिंग, ओरिजिनल मजनू भाई की पेंटिंग, रॉकिंग हॉर्स। ये आज मोना लिसा के भी ऊपर लगनी चाहिए, मैं तो बोल रही हूँ। मोना लिसा क्या है इसके सामने? डा विंची का नाम लेते हैं। मजनू भाई को कब मिलेगी अटेंशन? सब सोचते ना मोना लिसा हंसती की रोती है, आज रोएगी। वो रही मोना लिसा, जल्दी मास्टरपीस निकाल। हमने दुनिया के सबसे मेन आर्ट म्यूजियम में असली आर्ट डाल दिया है। मोना लिसा अब इस म्यूजियम की सेकंड बेस्ट आर्ट पीस है। ये अंकल उधर ही जूम कर करके फोटो निकाल रहे हैं। अंकल कितना जूम करोगे? वहाँ जूम मारा है अंकल ने, वहाँ अंकल के इंटरेस्ट बड़े रंगीन है। लेफ्ट हैंडेड मलिंगा की बॉल डाल रहा है, अब क्रिकेट वाली बॉल, थोड़ा ऊपर थोड़ा सा साइड इस तरफ, थोड़ा सा बीच में। हाँ, और या, हाथ ऊपर कर। अरे ज्यादा अंदर हो गया। हम डिज्नीलैंड आए हैं और यहाँ का सबसे बड़ा कार्टून है ये। अब ये पहनना जरूरी है क्या डिज्नीलैंड में? जरूरी है, ड्रेस कोड है, हेयर बैंड है लड़कियों का। चलना मिली चलेगा डेट पे। बच्चों के कार्टून को भी अश्लील नजर से देख लिया। समर्थ है ना, पेरिस में समर चल रहा है। स्वेटर लेके आए थे यहाँ के, एक्स्ट्रा जैकेट खरीदना पड़ा। इससे क्या ठंड रुक रही है, ये क्यों खरीदना पड़ा? अरे देख, ये तूने पहना है ना, उसको सील रखेगा ये। देख सील रहता है ना, सील रहता है। जब डिज्नी की कोई भी मूवी स्टार्ट होती है तो यही कैसल दिखाते हैं वो लोग स्टार्ट में। मेरे को जाना पड़ेगा, इधर लिखा था लो ब्लड प्रेशर वाले लोग, लिखा था एक्सपेक्टिंग मदर्स नॉट अलाउड, ये ब्लड प्रेशर नहीं लिखा था। मैं एक्सपेक्टिंग मदर हूँ। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या किया उर्मिला तूने? देख इधर जादू। ओह माय गॉड, नहीं प्रिय, तूने लॉन्च हो गए क्या हम? तेरे सारे कर्ली बाल नॉर्मल स्ट्रेट हो गए, इतना फास्ट था वो। हाँ, एक्चुअली स्ट्रेट हो गए। डिज्नीलैंड हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, बहुत हैप्पी लग रहा है। बेवड़ा बन गया हूँ मैं इस राइड के बाद। ये राइड का नाम चेंज करके हाइपर स्पेस बेवड़ा रखना चाहिए। अरे यार हम उल्टी जगह बैठ गए, उल्टी जगह बैठ गए। कितना सुंदर के अंदर है। जस्ट खाना खाया था, क्यों आए इस पे? दिमाग खराब हो गया। मैंने ट्रिक ढूंढ लिया, मैं व्यू देखूंगा ही नहीं, सिर्फ कैमरा पे देखने वाला हूँ। कैमरा पे देखो, व्यू देखो नहीं, डर किससे लगेगा? लगता है इतना जवान है, हो चुका है 30 साल का। मिकी माउस ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, आज हो गया है खुलासा। अपने को लगता है वो बहुत यंग है, बच्चे ये प्लास्टिक सर्जरी सब करा के बैठा है। अवेंजर्स कैंपस, ऐसी अवेंजर आने लगी ना, हम शाकाल से भी हार जाएंगे। जहाँ मिलती है लिमिटेड एडिशन अवेंजर्स चड्डी, पापा के लिए ले लेता हूँ।
Qu'est-ce que vous faites encore là? On a une planète à sauver, c'est la nôtre, on se bouge. सीन पे छोड़ दिया। ये तेको देख रहा है, तेको देख रहा है। तुझे कॉपी कर रहा है वो। ओ शिट। जिनका ये पूरा पार्क है, उनके सर पे आके कबूतर बैठ के हक दिया, उनके टकले पे हक दिया है कबूतर। We land the sand meetup हो गया। अरे मुझे ही धक्का दे दिया, मुझे धक्का दे दिया। लास्ट में होता है डिज्नीलैंड स्पेशल लाइट एंड फायरवर्क शो, जो कुछ दिख ही नहीं रहा क्योंकि सब बापों ने अपने बच्चे को दिखाने के लिए कंधे पे बिठा लिया। ए हट बे बच्चे, अबे तेरी हाइट छोटी है तो हम क्या करें? अबे मैंने भी टिकट ली है यार। ये मिकी आज की कमाई से खुश होता हुआ, वाह जलुआ। तो पहले फ्रेंच नहीं लग रहा था तो मैं थोड़ा फ्रेंच बन के आ गया। अब इसमें क्या फ्रेंच है? इससे हो गया फ्रेंच। किससे किससे? ये टर्टल कछुआ गला। और सुबह तू मेरे रूम से क्या मांग के गया, जरा वो दिखाना। बेल्ट दिखाना क्या यार? दिखा। लेडीज बेल्ट है ये, मेरी है। इज्जत लूट ली। यहाँ का आईफिल टावर और नीचे रिक्शे एप्पल, एप्पल लोगों भी लगा रखा है इंडिया के रिक्शों की तरह। दीदी चला रहे? अबे कपल चला रहे? भाग रहे यार। अरे तो रास्ते पे भी नहीं जा रहे, तो गार्डन में जा रहे हैं। हम इंडिया में ऐसी चीजें बनाते हैं जिनको कॉपी करना हार्ड हो। इसके तो भाई हमारे यहाँ 100 कॉपी बन रखे हैं। लिटरली भाई सारे बिजली के खंबे भी ऐसे ही दिखते हैं। मुंबई में तो आईफिल के नीचे बिस्तर ही लगा दिया। खोखला आईफिल, असली आईफिल टावर का कुपोषित बच्चा। नागपुर में तो स्पेशल सर्विस है, गुब्बारों के साथ साथ प्राइवेट डिनर हो रहा है आईफिल टावर के नीचे। चिकन तंगड़ी कबाब मिल रहा है आईफिल के नीचे। लड़की वहाँ पेरिस के आईफिल के सपने देख रही है, बॉयफ्रेंड उसको ये लो नागपुर के ट्रेन टिकट। इस आईफिल टावर ने वो वाले देख लिए ना तो ये डिप्रेशन में खुद को ही तोड़ लेगा। समोसे कितने चाहिए आपको? हाँ समोसे पाँच का एक, पाँच का एक, पाँच का एक, पाँच का एक। तो हम आईफिल टावर यहाँ का मेन सबसे टूरिस्ट स्पॉट आ गए हैं विदाउट टिकट। इतने मस्त आईफिल टावर को इन्होंने यार हर जगह चड्डी बना रखी है भाई। वो देख लिफ्ट कैसे जा रही है, एकदम एंशियंट टाइप की टेढ़ी जाती है क्योंकि टावर टेढ़ा है ना। टेढ़ी लिफ्ट से जाएंगे भाई, बहुत मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। तो गाइस हम बिना टिकट के आए थे, यहाँ पे सब फुल है और हमें मिली है स्टेयर्स वाली टिकट। मतलब पूरा आईफिल टावर सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ेगा। किस्मत ही खराब है। कैसे चढ़ेंगे यार इतना? लिफ्ट फुल हो गई। लिफ्ट कैसे फुल होती है यार? इतना वहाँ तक जाना है हमें, वहाँ तक। 7 8 9 10 हो तो गया, हो तो गया, इतना थका। हाँ हाँ देखते हैं अभी व्यू आ गया होगा। व्यू आ गया होगा, सामने की बिल्डिंग भी इससे ऊंची है। यहाँ से लास्ट कौन चढ़ा होगा? हाँ कंस्ट्रक्शन वाले लोग बोलते हैं पेरिस बहुत अनसेफ है, वहाँ से चोर आके आपके पॉकेट से चीजें चुरा लेते हैं। ये सबसे सेफ जगह है क्योंकि सीढ़ियों से तो चोर भी नहीं जाते। अब देखो सीढ़ियों से आने का एक फायदा तो है कि हमें आईफिल टावर के अंदर की सारी इंटेस्टाइन लिवर किडनी सब दिख रहा है। बाहर से जितना सुंदर और स्वैग दिखता है ना, अंदर से उतना ही वेयर हाउस और लोहे की तारे हैं। पहुंच गए फर्स्ट फ्लोर, सेलिब्रेट। आईफिल टावर के अंदर आके आईफिल टावर की फोटो के साथ फोटो खिंचा रहे। यू आर ऑल रेड इन द फेस, हमारा चेहरा छक्के लाल हो गया है। दिखा भाई, ये पहला ऐसा मॉन्यूमेंट होगा जो गरीबों को और जिनको टिकट नहीं मिलती उनका मजाक उड़ाते हैं। लाल लाल हो गए थक्के, हवा बहुत ज्यादा आ रही है। ऑस्कर दे दो कोई इसको, ऑस्कर। कपड़े उतर रहे बाद जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। कोई डॉक्टर हमें देख रहा है तो बता सकते हैं कि सीढ़ियां चढ़ने से दिमाग पे असर भी पड़ता है कि नहीं? लाइफ में कामयाबी का तो पता नहीं, टूरिस्ट स्पॉट्स की सीढ़ियां हम चढ़ते रहते हैं बार बार। हम पूरे एक घंटे बाद पहुंच चुके हैं सेकंड फ्लोर। पूरा पेरिस दिखता है यहाँ से। ये हाथ बाहर मत निकाल, तेरा हाथ नीचे गिर जाएगा। मैं क्या टूटी फूटी हूँ क्या? कुछ दिख ही नहीं रहा। गधे ये देख, इसमें पैसे डालने पड़ते। एक यूरो का व्यू नहीं भाई, आंखों से दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है, बहुत अच्छा। चल मेरा घर दिख रहा है। मम्मी कौन से प्लैनेट में देख रहा है, नीचे तो देख। थैंकफुली यहाँ तक ही स्टेयर्स था, इसके बाद हमारा लिफ्ट है तो बच गए। टिकट कहाँ है? टिकट नहीं होगा तो लिफ्ट में अलाउ नहीं करेंगे, फिर से स्टेयर से जाना पड़ेगा। देखो दिया था। अरे टाइम पास मत उड़ा रे यार, पॉकेट देख खाली है। तो कूद जाते नीचे यहाँ से, एक काम करते कूद जाते नीचे। आजा कूद जाते नीचे। अच्छा डायरेक्ट ऊपर जाएगा, चलो कूद। ये आइडिया अच्छा है यार, अगर आप कूद गए तो डायरेक्ट ऊपर पहुँच। चल अभी हम आ चुके हैं एकदम टॉप पे, लाइक टॉप की भी टॉप। और इतने एक्स्ट्रा पैसे देके हमें दिख रहा है
सेम व्यू, वही सेम एग्जैक्ट, थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं लग रहा ऊपर से। ऊपर जाने में लगे हमें एक घंटा और ऊपर थे हम 2 मिनट, तो बहुत ही अच्छे से प्लान किया हमने सब कुछ। यार यहाँ बैठने के लिए कुछ चटाई वटाई नहीं है क्या? नहीं। तो ये रख देता हूँ। ए, ये मैंने इसके 10 यूरो दिए, बहुत महंगा। नहीं तेरी हिम्मत कैसे हुई तेरी? पहले वहाँ से यहाँ देखो, फिर यहाँ से वहाँ देखो, बस यही काम है हमें यहाँ पे दिन भर फ्रेंड्स टोपी के साथ। छी छी, कितना गंदा दिख रहा है। जूजा जूजा जू, क्या 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 बहुत मारेंगे तेरे को, बहुत पीटेगी, मैं बहुत पीटेगी खाया तो। अरे चिकन वैसे ही मरा हुआ है। अरे नहीं, ठीक है लो खा लो, फेंक उधर फेंक। अरे बुली कर दे। अरे क्या कर रहा है ये बंदा? खाना, हाँ खाना क्या हुआ? अब नहीं चाहिए, हाँ अब नहीं चाहिए, तू खा ले। झूठा नहीं खाता मैं। वही दोस्त धोखा देते हैं जिन पर भरोसा सबसे ज्यादा होता है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं यहाँ की फुटबॉल टीम PSG के स्टेडियम में, और आपको पता है मैं फैन हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड का, पीछे रोनाल्डो भी लिखा है। मैं जा रहा हूँ मेस्सी के स्टेडियम में, इसको छुपा देता हूँ, कोई देख ना ले वरना वहाँ से बैन कर देंगे। डर नहीं लगता तुझे? अरे फ्रेंच में गाली देंगे, मुझे समझ कौन सी आनी है। भाई यहाँ पे मेसी, एम्बापे, नेमार सब खेलते हैं यार। जब यहाँ पे लाइव मैच देखने आए हैं तो सबको एक टीवी क्यों दिया है? हाँ मम्मी, स्टेडियम में ही मैच देख रही हूँ, बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ से, यहाँ से अलग ही दिखता है स्टेडियम से। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने PSG की बाट यही लगाई थी भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड, RCB, ये गलत स्टेडियम है उसके भी। अरे मैं 2 साल और खेल लेता ना फुटबॉल, अगला मेसी मैं ही होता। अरे वो तो पढ़ाई के लिए छोड़ना पड़ा। अरे गलती से बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ गए तो पापा ने इंजीनियरिंग करवा दी। अरे वरना अगला नेमार तो मैं ही था। दिखा दिखा खोल के दिखा, किसी ने देख लिया तेरे बाजू में और आके बैठे है पागल। दिखा दिखा खोल के दिखा, तेरे सीने में क्या बसता है। मुझे कोई आइडिया नहीं ये लोग कौन है। इंजरी के बाद प्लेयर्स का यही मसाज होता है, मसाज करते हैं नवरत्न तेल रगड़ की मसाज। भाई मेसी लेट चुका है यहाँ पे, यहाँ फिजियो रूम और उसके सामने सीधा ड्रेसिंग रूम। तुझे मेसी पे लेटना है? है कौन, किसके साथ खिंचा ली फोटो? कौन है भाई? अरे वहीं तक चाहिए था। अरे इतना ही नहीं चाहिए। तू ही बैठता चला गया। यहाँ मेसी बैठता है, यहाँ पे, यही, राइट हियर। सिक्योरिटी वाला लंच पे गया और मैंने मौके का फायदा उठा के गोट दोनों है पर मुझे बोलना पसंद, और मेसी को वर्ल्ड कप जीतना पसंद है। और जिससे पहले कि कोई गोली मार दे इसने जैकेट वापस पहन। माय फैंस, 10 गोल तो मैं अकेले मार रहा हूँ। माय गर्लफ्रेंड कहाँ गई? ये किसी और बंदे से बात कर रही है वो। ए, इसको मैच के बाद देखते। तू भी तो दूसरे लड़कियों को किस दे रहा है? मैं तो प्लेयर ही हूँ ना। अच्छा प्लेयर, प्लेयर इस घास, ओ घास, प्लेयर और मैनेजर ने थूका है। सारे बेंच प्लेयर्स यहीं बैठते हैं तो किसी ना किसी पॉइंट पे मेसी, नेमार, एम्बापे यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने पादा तो होगा यार यहाँ पे बैठ के पक्का। और प्लेयर्स ऐसे वैसे सीट पे नहीं बैठते भाई, हीटेड सीट है ये, टेम्परेचर ऊपर नीचे। तो ये लास्ट चीज थी, हमें यहाँ ग्राउंड पे ले आते हैं। अब इसके बाद एग्जिट ही है, तो मैंने पूरी जैकेट निकाल ही दी। कि इसके बाद निकाल भी दे तो क्या फर्क पड़ता है, हमें वैसे भी एग्जिट ही करना है। लात मार के निकालेंगे, कोई नॉर्मल एग्जिट नहीं होगा तेरा। Mbappe steps up first. And Mbappe. हश हश,
यहाँ सारी ट्रॉफीज रख रखी हैं, इसमें पुलाव बनाते हैं और इसमें कढ़ाई पनीर, जो नहीं जीत पाए उसकी बस फोटो लगा दी है वहाँ। एम्बिशन एम वो जो लिखा था पक्का आरसीबी के स्टेडियम में भी ऐसी आईपीएल ट्रॉफी कहीं बनी होगी, है तो नहीं। रोनाल्डो की जर्सी पहन के मेसी की जर्सी लेने आया है, एक्सपोज्ड, कैप्चर हो गया कैमरा में। अरे दोनों अच्छे हैं, ये टॉय को देखने के बाद मेसी ये टीम छोड़ने वाला है भाई। ये मेसी है, काका मेसी। यहाँ सबकी इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बना रहे हैं यहाँ के पेंटर्स, तो मैंने सोचा गौतमी भी एक बहुत ही बढ़िया पेंटिंग खुद के डिजर्व कर, ढूंढ के निकाला है, प्रॉपर बढ़िया बनाएगा पेंटिंग। तो किसी मस्त पेरिस आर्ट बनेगा इसका, लैमिनेट कराना पड़ेगा। बहुत मस्त बन रहा है, असली मोनालिसा तो यहाँ बन रही है। अच्छा बन रहा है, अच्छा बन रहा है, अच्छी लग रही हूँ मैं, क्या करूँ। हाँ तेरी पेंटिंग भी बहुत अच्छी लग रही है, दीवार पे लगाना लैमिनेट करके प्रॉपर। अंकल को प्यार ही हो गया गौतम से तो। सेम है ना, एकदम सेम रियल। अब इसको इसकी इसी को पैसे देने पड़ रहे इसके। अरे पब्लिक में मत मार, पब्लिक में मत मार, पब्लिक में पब्लिक। अरे इसके 20 यूरो लिए। कौन है ये, मैं तो हुई नहीं, क्या सिमिलैरिटी है? होट 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 सिमिलर लग रहे। ये चार लोगों साथ में किसकर लेगी इसके होट से? इसके ऊपर हक गया यार कुछ तो भी। तो टट्टी पे भी टट्टी का फिनिशिंग टच तो जरूरी होता है ना, इसको रोज नई लिपस्टिक खरीदनी पड़ती होगी, एक बार ऐसे करेगी खत्म। ठीक है होट से ज्यादा फेक पता क्या लग रहा है? तेरी जॉ लाइन। नीचे देख, नीचे देख। ये जॉ लाइन कहाँ है? ये क्या है, इतने फिट गौतमी कहाँ से बना दी? ये पीछे आर्क दे ट्रायंफ, इंडिया गेट की सस्ती कॉपी। भले इंडिया गेट इसके बाद बनाऊं पर कॉपी यही है। इन्होंने हमारा दिमाग में थॉट आया था वो पहले कॉपी कर लिया। हाँ, हमने बनाया हम, बस बात चलो हो गया डन, टूरिस्ट स्पॉट टिक। अगला चल, अगला चल। इन लड़कियों को शायद किसी ने बताया नहीं कि खुद के दोनों हाथों से ही हो जाता है, हेल्प नहीं लगती इनसे, बेटर तो मैं। इस दुकान के महंगे प्राइसेस देख के यहाँ का मैनिकिन भी भाग रहा है, तो हम क्यों ना भागे। हाँ भैया, एक बटर चिकन, एक जीरा राइस और एक जीरा आलू। लिख लिया ना आपने? हाँ साहब, लिख लिया साहब। 2-1 यस, हुआ हुआ शुरू हुआ ही है। यस, क्या नया देख लिया यार हमने गाइस, क्रेजी हो गया। तो अगर आपको ढंग से टाइम पे खोलना और टाइम पे बंद करना आता है तो ऐसे आप धो सकते हो। बाथरूम में बाढ़ आ जाएगी पर एटलीस्ट आपका पिछवाड़ा तो साफ है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, पार्ट 1 पेरिस के लिए इतना ही, और इसके बाद हम गए स्पेन और साउथ ऑफ फ्रांस, तो पार्ट 2 में वो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। ओए देख बच्चों की बॉल, वापस कर दे, वो भाग गए, उनको ध्यान नहीं है। अरे भाई कहाँ चली, भाग।